जय हिंद स्टूडेंट्स वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम आर के वर्मा ऑफ योर माई टीचर टुडे आई विल स्प्लैन अबाउट सम पेयर ऑफ एंगल्स आपको आज हम सम पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बताएंगे। तो इसमें आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि इसमें दो लाइनें पैरेलल हैं यम एंड यन ये दो लाइनें पार्लेल हैं और एक लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है यल जो इसको कट कर रही है इस लाइन को यहाँ पर देखिए कट कर रही है यम लाइन को और यन लाइन को ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर देखिए कट कर रही है तो इस यहाँ पर जो है कई टाइप के एंगल बनेंगे जैसे यहाँ देखिए एट एंगल बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट टाइप के एंगल इसमें बन रहे हैं तो इन एंगल में क्या रिलेशन होता है पेयर इनका किस तरह से बनता है उसी के बारे में आपको हम बताने चल रहे हैं तो इसमें देखिए लिखा हुआ वैन यू ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरल लाइन्स वी गेट मैनी पेयर ऑफ एंगल्स तो यहाँ देखिए कई तरह के पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं जिसमें इसको आप लर्न कर लेना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट से है ये आपको फाइव टाइप के हम यहाँ एंगल आपको दिखा रहे हैं और इसको आप पेयर उनका बता रहे हैं इसको आप लर्न कर लीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल में मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर जब दो लाइनें कट करती हैं तो साइड का एंगल नहीं होता उसका अपोजिट एंगल होता है जैसे वन का अपोजिट थ्री होगा अपोजिट साइड में थ्री ही तो बनेगा फो फोर uh, के अपोजिट साइड में टू बनेगा तो जब दो लाइनें कट करती हैं तो उनके अपोजिट साइड में बगल में नहीं अपोजिट तरफ दूसरी तरफ जो एंगल बनता है उसी को हम वर्ड के लिए अपोजिट एंगल कहते हैं पिछले वीडियो हम बता भी चुके हैं अब देखिए वन एंगल वन और इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्ड के लिए अपोजिट होते हैं जो दूसरी तरफ बनते हैं इक्वल भी होते हैं अब जैसे वो एंगल वन एंगल थ्री देखिए दोनों इक्वल है एंगल टू एंगल फोर देखिए ये भी लिए अपोजिट है भी इक्वल है एंगल फाइव एंगल सेवन देखिए ये भी इक्वल है ये भी वर्ड के लिए अपोजिट है एंगल सिक्स एंगल एट भी देखिए इक्वल है तो ये सब जो है जो वर्ड के लिए अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं ये बनते कब हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो विपरीत तरफ दूसरी तरफ जो एंगल होंगे वही वर्ड के लिए अपोजिट एंगल होंगे ओके आफ्टर दिस योर नेक्स्ट एंगल इज करस्पोंडिंग एंगल्स करस्पोंडिंग एंगल्स को हम जुड़वा एंगल भी कह सकते हैं संगत एंगल भी कह सकते हैं जो उसी के बिल्कुल उसी के जैसा हो उसी के तरफ हो मतलब सेम तरफ में साइड में हो और एक जैसा हो अब जैसे इसमें देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दो पहले लाइन है यम और यन इसके ऊपर एंगल जो बन रहे हैं ये ट्रांसवर्सल से वन एंड फाइव बन रहे हैं क्योंकि दोनों यम और यन के ऊपर ही तो बन रहे हैं ऊपर बन रहे हैं और ट्रांसवर्कल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट बन रहे हैं तो ये दोनों करस्पोंडिंग एंगल होंगे ये दोनों जुड़वा एंगल भी कहलाते हैं संगत एंगल भी कहलाते हैं तो और ये इक्वल भी होते हैं जैसे वन एंगल वन एंगल फाइव के होगा अब जरा इसको देखिए यहाँ पर एंगल टू एंगल सिक्स ये भी आपके करस्पोंडिंग होंगे क्योंकि ये देखिए ये पहले लाइन के ऊपर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहे हैं तो बात समझ में आ रही होगी तो एंगल फोर और एंगल एट ये आपके करस्पॉन्डिंग होंगे एंगल थ्री एंगल सेवन करस्पोंडिंग होंगे और इक्वल भी होंगे देखिए लिखा हुआ है एंगल वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल वन इक्वल टू एंगल फाइव के होगा एंगल टू एंगल सिक्स के इक्वल होगा एंगल फोर एंगल एट के इक्वल होगा एंड एंगल थ्री एंगल सेवन के इक्वल होगा ओके आफ्टर दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखिए इंटीरियर मीन्स होता है अंदर अंदर के एंगल हों पहले लाइन्स के अंदर के हों तो इंटीरियर बोलेंगे पहले लाइन के बाहर होगा तो एक्सटीरियर बोलेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जैसे फोर है ना पहली बात कि हम अगर इंटीरियर ले रहे हैं तो अंदर लेना है तो पैला एलियम और पैला एलियन के अंदर लेना है तो आप बता दें यहाँ देख रहे हैं कि एंगल फोर के अल्टरनेट साइड में एंगल सिक्स है और है नहीं? कि नहीं देखिए क्योंकि अगर ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट है तो ये ट्रांसवर्स फोर और ट्रांसवर्सल के सिक्स देखिए राइट है तो अल्टरनेट है दोनों दोनों एक साइड में नहीं है ये लेफ्ट में है तो राइट right में है ओके okay? और दोनों यम और लाइन के अंदर हैं इसलिए दोनों क्या बोले जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ओके तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन होंगे एंगल फोर इक्वल टू एंगल सिक्स इक्वल भी होते हैं एंगल थ्री का अल्टरनेट अल्टरनेट